नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे ओपन वर्सेस लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर की, कि ओपन हर्निया और लैप्रोस्कोपी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हर्निया को अगर एग्जांपल से समझना हो तो इसे हम टायर में होने वाले एक पंचर से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह अगर टायर में पंचर हो जाता है तो ट्यूबलेस टायर्स में हम बाहर से ही पंचर लगवा लेते हैं, इसलिए क्योंकि इजी है, क्विक है, सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर ये पंचर बार बार होने लगे या ना ठहरे तो हमें टेक्नीशियन एडवाइस करते हैं कि इसे अंदर से लगवाइए, क्योंकि अंदर से लगाने से ये पंचर ज्यादा अच्छा लगेगा, दोबारा होने का चांस जो है बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अंदर से लगाना डिफिकल्ट है, टाइम ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए किसी किसी केसेस में ही ऐसा रिकमेंडेड है। इसी तरीके से हर्निया सर्जरी में अंदर से मेश डालने से हम एक बड़ी मेश डाल सकते हैं, उसकी प्रेशर बढ़ने के बाद उससे दोबारा होने का हर्निया का रिस्क बहुत कम हो जाता है। देखा गया है कि ओपन हर्निया के मुकाबले अप टू 10 टाइम्स ये रिस्क जो है कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ऐसा करने में खर्चा ज़्यादा होता है, ये जालियाँ ज़्यादा महंगी हैं, दूरबीन से ऑपरेशन करने में वैसे भी ओपन सर्जरी के मुकाबले खर्चा ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके अगेंस्ट आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि दोबारा हर्निया होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा होल्स बहुत छोटे आएंगे, हम छोटे होल से ही मैश को फोल्ड कर पेट में डाल सकते हैं, कोई भी ड्रेनेज पाइप यूजली नहीं लगता, इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट पहले ही दिन डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं और बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में वापस आ जाते हैं। दूरबीन में खर्चा क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसमें जाली बहुत महंगी है, एक बैरियर मैश लगानी पड़ती है जो एक तरफ से हर्निया को चिपक जाएगी लेकिन दूसरी तरफ जहाँ आंत है उससे ना चिपके, इसके लिए उसके ऊपर एक बायोलॉजिकल फिल्म लगाई जाती है जिससे उसकी कॉस्ट बहुत गुना बढ़ जाती है। इसी तरह अगर दूरबीन से उसे फिक्स करने के लिए छोटे छोटे टैकर लगाए जाएं तो उन टैकर्स की भी कॉस्ट ऐड हो जाती है और उससे भी टोटल ऑपरेशन बढ़ जाता है। ओपन सर्जरी स्पाइनल एनेस्थीसिया में की जा सकती है जिसमें कि सिर्फ पीठ में एक इंजेक्शन लगता है, लेकिन दूरबीन के ऑपरेशन प्रॉपर बेहोश करके किए जाते हैं और एनेस्थीसिया का खर्चा भी इसमें ऐड हो जाता है। दूरबीन का अपना खर्चा उसके औजार महंगे होने की वजह से भी ये थोड़ा सा खर्च बढ़ जाता है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो डेफिनेटली दूरबीन से ही हर्निया ऑपरेशन करवाइए। इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और इससे आप अपनी लाइफ मच बेटर ढंग से जी पाएंगे। थैंक यू।